बरहरवा पुलिस ने 24 घंटे में किया ट्रैक्टर चालक से छिनतई मामले का उद्भेदन। बरहरवा थाना क्षेत्र के केंचुआ पुल के समीप ट्रैक्टर चालक से छिनतई मामले का उद्भेदन करने में बरहरवा थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। महज 24 घंटे में ही पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर लिया। इस मामले में बरहरवा थाना पुलिस ने घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर चालक से छिनतई किया गया मोबाइल फोन के साथ दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चालक से छिनतई मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के मेहंदी डांगा निवासी डालिम शेख पिता रफीकुल आलम व समीम शेख पिता अनारुल शेख को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाया गया सादे रंग का अपाची मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर चालक का छिनतई किया हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। उक्त मौके पर बरहरवा इंस्पेक्टर पीएन झा, बरहरवा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार, एएसआई सतीश, आशीष तिर्की, नीतीश कुमार, ऋषभ कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए पटना प्रखंड से संभू कुमार के साथ दीपक देशमुख की रिपोर्ट। तो पता है बीते गुरुवार बरहरवा थाना अंतर्गत केंचुआ पुल के पास में एक ट्रैक्टर सवार लालपू शेख, जो कि मालदा के रहने वाले थे, उनसे लूटपाट की एक वारदात रिपोर्टिंग हुई थी। उस घटना का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है। दो अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम डालिम शेख, पिता का नाम रफीकुल आलम, ग्राम मेहंदी डंगा है। डालिम शेख, यस डालिम शेख। उम्र, उम्र इसका होगा करीब करीब 25 साल। और दूसरा, दूसरा जो है वो समीर शेख है, समीर शेख, और पिता का नाम अनारुल शेख। ये दोनों एक ही जगह का है क्या? हाँ, मेहंदी डांगा का दोनों, एक पूरब टोला का है, पूर्वी पारा, एक पश्चिमी पारा का है। अच्छा, पूरब और पश्चिम, जी।